अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़किया शेर है और आज मैं आपको बताऊंगी कि हमल के दौरान शुगर का हो जाना, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी हमला ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर बढ़ जाने का ख़तरा रहता है, जिसमें से सबसे पहले आपका रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि वज़न का बढ़ना, दूसरी ख़वातीन के मुकाबले में आपका वज़न ज़्यादा होना या BMI मोर देन 30 होना। उसके बाद दूसरा रिस्क फैक्टर है अगर आपके ख़ानदान में किसी को शुगर है तो, यानी आपके करीबी रिश्तेदारों में अगर किसी को शुगर है तो आपको हमल के दौरान शुगर हो सकती है। तीसरा है अगर आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में, पिछली प्रेगनेंसी में शुगर रहा है तो, उसके अलावा अगर आपका जो पिछला बच्चा है वो 4.5 kg या 4.5 kg से ज़्यादा का रहा है तो। और उसके बाद आपका पांचवा रिस्क फैक्टर है अगर आपको पीकोज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो भी आपको हमल में शुगर होने का ख़तरा होता है। अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर आपके अंदर नहीं है और आप सिर्फ एक पाकिस्तानी खातून हैं तो ये एक अकेला भी एक रिस्क फैक्टर है आपके लिए। लिहाजा सारी पाकिस्तानी खवातीन का हमल के दौरान एक टेस्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ये टेस्ट कब किया जाता है? ये टेस्ट हर हमला ख्वातीन का 24 से 28 हफ्तों के दौरान किया जाता है, लेकिन आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन, आपकी डॉक्टर, आपकी हिस्ट्री और आपके रिस्क फैक्टर के हिसाब से इसको पहले भी करवा सकती हैं। ये किस तरह से होता है? इसमें आपको 8 से 10 घंटों का फास्ट, यानी कि अगर आपने रात को 12 बजे कुछ खाया है तो आप सुबह 8 से 9 बजे अपनी लेबॉरेटरी जाते हैं, जहाँ पे आपका एक ब्लड शुगर फास्टिंग होता है, निहारमू आपका टेस्ट होता है। उसके बाद आपको ग्लूकोज का एक ड्रिंक दिया जाता है और उसके 1 घंटे और 2 घंटे के बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है और उसके रीडिंग्स के हिसाब से आपकी डॉक्टर आपको बताती हैं कि आपको शुगर है या नहीं है। अगर आपको शुगर है तो फिर आपको अपनी शुगर की मॉनिटरिंग करनी होती है, जिसमें हम अक्सर अपने ख्वातीन को बताते हैं कि आपकी शुगर लेवल फास्टिंग में 95 से कम हो और खाने के 1 घंटे के बाद 140 और खाने के 2 घंटों के बाद 115 होना चाहिए। वो आपकी डॉक्टर आपको उस हिसाब से बताती हैं, लेकिन आपने अपनी शुगर को मॉनिटर किया जाता है। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि अक्सर ख़वातीन हमारे पास बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये पूछती हैं कि अगर मुझे हमल में शुगर हो गई है तो क्या ये हमेशा रहेगी या ये डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाएगी? तो जी हाँ, ये आपकी डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको दूसरी ख़वातीन के मुकाबले में 50% ज़्यादा रिस्क है कि आपको आगे चल के अगले 5 सालों में आपको शुगर डिवेलप हो जाए। उसमें हम अपने मरीज़ों को ये बताते हैं या अपनी बहनों को ये बताते हैं कि आपने अपने हर सालाना, यानी हर बर्थडे पे आपने अपना शुगर फास्टिंग लेवल कराना होता है और उसके हिसाब से आपको डायग्नोस किया जाता है। शुक्रिया।